हम लोग इस समय यहाँ पर घड़ियाल पाए जाते हैं। लगभग कितने घड़ियाल होंगे क्यों आशीष जी? लगभग यहाँ 1200 के आसपास, पिछली 2017 काउंटिंग है जो उसमें है, तो 1200 के हिसाब से गिने गए थे लगभग। अच्छा, 1200 घड़ियाल हैं। और सबसे विशेष बात है कि ये इस नदी के किनारे जिस पॉइंट पर हम लोग आए हुए हैं, यहाँ घड़ियालों ने अपने नेक्स्ट बनाए हुए हैं। ढूंढते हैं, चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर इनके अंडे हैं। देखिए आशीष जी, ये शायद कोई जगह बनी हुई है, जरा इसको हटा के देखिए कि इसमें कभी प्रतीक चिन्ह भी बन जाता है। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। आइए, हाँ यहाँ नहीं है। अब हम इस तरीके नेक्स्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे कि ऐसे नेक्स्ट को ढूंढ करके। और आशीष जी वन्य जीव विशेषज्ञ हैं हमारे साथ, तो सबसे बड़ी बात है ये कुछ बताते भी चलेंगे। आशीष जी, ये नेक्स्ट का क्या टाइम पीरियड चल रहा है समय? हाँ, नेस्टिंग जोर से बोलो। मार्च अप्रैल यही इनका टाइम है, फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो देखिए कि इस समय इन्होंने बताया कि फरवरी के बाद से नेस्टिंग होती है इनकी, अंडे देते हैं घड़ियाल। और ये यहाँ जो घड़ियाल पाए जाते हैं, ये घड़ियाल जो है तकरीबन हो सकता है, कोशिश करी गई यहाँ हो सकता है कि इसमें कहीं कोई अंडे रखे गए हों। और आशीष जी ढूंढने की कोशिश करेंगे इसमें कि कहीं कोई अंडा तो नहीं है, क्योंकि घड़ियाल अक्सर ऐसी चीज़ें बनाते हैं। इसमें नीचे पानी भी हो सकता है इसके अंदर। 3 फुट तक का ये गड्ढा बनाते हैं, हालांकि मुझे देखना होगा यहाँ कुछ रखा है, लेकिन लग तो नहीं रहा। नहीं है, नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं गड्ढा है, साधारण गड्ढा है, नहीं है, समझ में आ जा। हाँ, तो यहाँ नहीं है। और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग किनारे किनारे, नदी के किनारे किनारे, चंबल नदी के किनारे किनारे, तकरीबन अभी हम लोग चल चुके हैं 1 किलोमीटर, और भी अब धीमे धीमे ढूंढने की कोशिश करते हैं और पता करते हैं कि अगर कहीं मिलता है तो ज़रूर आपको दिखाते हैं। सबसे विशेष महत्वपूर्ण बात है कि ये जो नेक्स्टिंग है, यहाँ जो 1200 घड़ियाल पाए जाते हैं, वो कहीं दूसरी जगह पाए जाते हैं आशीष जी, इस तरह के घड़ियाल जो अपने यहाँ हैं? चंबल सेंचुरी अकेली एक सेंचुरी है, हाँ, पूरे एशिया की, हाँ, जहाँ पे घड़ियालों का लाउडली घड़ियालों का स्वर्ग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है और जो सिक्योरिटी है, जो सेफ घड़ियाल जाती अपने आप को समझती है, वो यही है। अच्छा, देखिए कि बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर घड़ियाल यहाँ पर सबसे सेफ है, और ये जन्नत है घड़ियालों की, क्योंकि यहाँ पानी पोल्यूशन रहित है। आशीष जी, मुझे लगता है यहाँ कोई सांप पड़ा हुआ है क्या? घास है ये, कि मुझे लगा कि नदी किनारे जलीय जीव में जलीय सांप भी होते हैं, जो पानी के सांप बोले जाते हैं। अच्छा, हम लोग लगातार बताना चाहता हूँ, यहाँ पे घड़ियाल तो मिलते ही हैं, हाँ, यहाँ चंबल वैली है, क्योंकि ये चंबल घाटी है, यहाँ पे जैव विविधता से भरी हुई है घाटी, और यहाँ पे लगभग 10 प्रकार के कछुए भी मिलते हैं, और रेड क्राउन रूफ टर्टल जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है इस चंबल की, पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पे ऑटर है और स्किमर है, पंचेरा जिसको बोलते हैं, उसके अलावा यहाँ पर आपको डॉल्फिन मिलेगी। अच्छा अच्छा, देखिए बताया इन्होंने कि डॉल्फिन, 10 प्रकार के कछुए और भी बहुत सारे जलीय जीव जो पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते, इस तरह की प्रजाति केवल यहीं पाई जाती है। चलिए ढूंढ रहे हैं, कुछ मिलता है तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पक्षी भी, हाँ, पक्षियों की आवाज़ आ रही है। यहाँ लगभग जो रिकॉर्डेड स्पीसीज है, यहाँ पे लगभग 320, 350 के आसपास पक्षियों की जाती है यहाँ पे रिकॉर्डेड। हाँ, 350 पक्षियों की प्रजातियाँ यहाँ इस किनारे पाया जाता है। हालांकि बड़ा थकावटपूर्ण ये यात्रा है, पैदल चल रहे, टिटहरी बोल रही है ये, और ये आवाज़ आप सुन रहे हैं चिड़ियों की। ये आपको इस चंबल नदी किनारे, क्योंकि यहाँ कोई दूर दूर तक नहीं है, वो बड़ा साइलेंस जोन है। ढूंढते हैं पता करते हैं।
मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से चंबल नदी बह रही है, और यहाँ पर मेरे साथ आशीष जी हैं, और अभी इन्होंने ढूंढा है कि जहाँ चंबल में ये घड़ियालों ने नेस्टिंग की है, ये नदी का किनारा है। यहाँ इन्होंने कुछ अवशेष देखे हैं और ये प्रतीक चिन्ह भी देखे हैं जहाँ नेस्टिंग है। तो आशीष जी, क्या देखा आपने और क्या अभी आप बता रहे थे यहाँ पर? देखिए, चूँकि यहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं, ये एक नेस्टिंग एरिया है घड़ियाल का, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर अंडे होंगे घड़ियालों के, जिन्होंने नेस्ट बनाए हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्रतीत हो रहा है कि एक नेस्ट यहाँ पर हो सकता है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और भविष्य में हम दोबारा आएंगे, अभी हम इस नेस्ट को छेड़ेंगे नहीं, छुएंगे नहीं, क्योंकि अभी वो प्री मेच्योर कंडीशन में है। अभी हम केवल दिखाएंगे कि हो सकता है यहाँ पे एक नेस्ट हो, जैसा कि अनुमानित है। देखिए कि ये जगह है जहाँ आप दिखा रहे थे किस तरह से है, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अभी कि ये नेक्स्ट की। हाँ बताइए। ये जो और ये अंडे अभी जो है लगभग अच्छी संख्या में हो सकते हैं, ये तो बाद में ही पता चलेगा जब इनकी अभी काउंटिंग होगी, और जब वन विभाग की टीम या उनके जो भी फॉरेस्ट गार्ड है वो काउंटिंग करेंगे। अभी हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा नेस्ट है। तो यहाँ पर अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसी कोने पर यहाँ एक मादा घड़ियाल भी देखी थी, जिसको हम लोगों ने शूट किया था। तो क्या ये इसी नेक्स्ट के ही पास आई थी क्या? हाँ, वो अपने नेस्ट की टेरिटरी डिफेंड करते हैं, क्योंकि मेल फीमेल दोनों मिलके करते हैं, फीमेल अंडे देती है, मेल तब तक जो है अपनी टेरिटरी डिफेंड करते हैं। लेकिन अगर इनके नेस्ट को कहीं कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो ये एग्रेसिव भी हो जाती है, इसलिए हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से अभी चले जाएंगे। तो ये आपने देखा कि किस तरह से, और आशीष जी आप ज़रा पीछे दिखाइए कि कौन सा रास्ता बना हुआ है। ये जो अभी ये बना हुआ है जगह जो ये दिखाई जा रही है, ये बिल्कुल चंबल नदी का कोना है, और इस कोने पर कॉर्नर पे यहाँ पर मादा घड़ियाल थी थोड़ी देर पहले, और ये यहाँ पर बालू हटी हुई देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं घड़ियाल यहाँ पे आई है और उसने अपने अंडे यहाँ पर दिए हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए कि जिस तरह से इन्होंने, आशीष जी ने बताया कि यहाँ पर नेस्टिंग हुई है, और संभवतः यहाँ मादा घड़ियाल के अंडे छूना भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि किस स्थिति में हो, लेकिन यहाँ इन्होंने कंफर्म किया है कि यहाँ अंडे हैं और मादा घड़ियाल ने, ये नेस्टिंग का एरिया है ये वाला। और यहाँ अभी हम लोगों ने जब मादा घड़ियाल को देखा तो वो पानी में डर की वजह से भाग भी गई थी, लेकिन कभी भी जब किसी के भी अंडों पर हमला होता है, जब उसे ये महसूस हो जाए कि हमारे बच्चे खतरे में हैं, तो वो भी हमला कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग किड़ोरी के पास नगला पिलुआ है, चंबल का एरिया है, यहाँ पे मगर और घड़ियाल दोनों के ही नेस्ट यहाँ पर हैं, जो हम अगले राउंड में आपका आकर के दिखाएंगे। देखिए, इन्होंने बताया कि अब हम अगले राउंड में आएंगे, जब हम आपको अंडे और अंडों से निकलते हुए बच्चों को भी दिखाएंगे, जो घड़ियाल के साथ जुलाई में। और अभी आप मेरे साथ बने रहिए लगातार, और चंबल की वादियों का आनंद उठाइए। और अभी हमने आपको बहुत सारी चीज़ों से परिचय कराया और वन्य जीवों से भी परिचय कराया। मेरे साथ आशीष जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार बने रहिए और अपडेट रहिए, देखना ना भूलिए। नमस्कार।